स्वदेश वाणी। राजधानी रांची की रहने वाली हेमा कुमारी पावर लिफ्टिंग में लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है और सफलता की नई नई इबारत लिख रही है। इस कड़ी में हेमा ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में बेस्ट पावर लिफ्टर जूनियर महिला का खिताब अपने नाम किया है। पावर लिफ्टिंग में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से सबको चौंकाने वाली हेमा ने कई खिताब अपने नाम किया है और अब वो झारखंड में आयरन लेडी के नाम से झारखंड में पहचाने जाने लगी है। दो बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश को रिप्रेजेंट कर गोल्ड मेडल जीतने वाली इस युवा प्रतिभा की झारखंड में ही गुमनामी के जीवन जी रही है। स्वदेशवाणी के साथ बातचीत में आयरन लेडी हेमा कुमारी ने सरकार से क्या गुहार लगाई, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं कुमार कामेश और आज एक ऐसे शख्स से आपकी परिचय करवाना चाहते हैं जो आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ, दस, ऐसे कई सर्टिफिकेट है। साथ ही साथ कई ऐसे मेडल हैं जो झारखंड ही नहीं पूरे देश विदेश को रिप्रेजेंट करता है। इस सर्टिफिकेट को देख सकते हैं और खासकर इन ट्रॉफियों को देखिए जो घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस शख्सियत ने इस ट्रॉफियों को, इन सर्टिफिकेट को अपने अंदर अधिकृत किया है और इसके लिए जो मेहनत किया है, वो मेहनत कहीं ना कहीं अब नाकाफी दिख रही है। और इससे क्या महसूस हो रहा है कि इसके परिवार के लोग भी अब हिम्मत हारते जा रहे हैं। झारखंड की रिप्रेजेंट करने वाली हेमा कुमारी एक ऐसी शख्सियत है जो झारखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम जो है अपने खेल के माध्यम से रोशन कर रही है। खासकर अगर बात की जाए तो आयरन लेडी के नाम से पूरे झारखंड में ये मशहूर है। आज हम उन्हीं से बातचीत करने के लिए इनके घर पे आए हुए हैं और उनका नाम है हेमा कुमारी। हेमा कुमारी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते हेमा जी। सबसे पहले तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस खेल को रिप्रेजेंट करती हैं और अब तक किन किन सी उपलब्धियाँ आप हासिल की हैं? मैं पावर लिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं एक लिफ्टर हूँ और मैं अभी तक 3 नेशनल्स, 1 इंटरनेशनल और 2 स्टेट और 1 ईस्टर्न चैम्पियनशिप खेल चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। साथ ही मुझे कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे कि 2 बार मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ झारखंड के नाम का टाइटल दिया गया, साथ ही बेस्ट लिफ्टर ऑफ झारखंड के नाम का टाइटल दिया गया, साथ ही मुझे बेस्ट प्लेयर ऑफ द इंडिया के नाम का टाइटल दिया गया और मुझे ईस्टर्न स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का टाइटल दिया गया, साथ ही ईस्टर्न बेस्ट प्लेयर का भी टाइटल दिया गया। देखिए, इतने सारे खिताब इनके पास हैं, इनकी सारी उपलब्धियाँ इनको मिली है और इनके कई उपनाम से भी इनको जाने जाने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की अगर बात की जाए तो पावर लिफ्टिंग में आप साफ देख सकते हैं कि पावर किसी वेट को उठाया जाता है, लेकिन वेट लिफ्टिंग की बात की जाए तो वेट लिफ्टिंग भी दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता खेल है। लेकिन जहाँ पावर लिफ्टिंग को पूरे सरकार के तौर से मान्यता मिलती है, देखिए झारखंड में पावर लेडी के नाम से मशहूर हेमा के पास कई ऐसे सर्टिफिकेट भी हैं, लेकिन अगर बात की जाए पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में तो दोनों में खेलों में समानता, नामों में समानता है, लेकिन खेल खेलने का तरीका जो है बिल्कुल अलग है। हेमा जो है पावर लिफ्टिंग से आती है और पावर लिफ्टिंग में ये सर्टिफिकेट जो है इसी चीज़ को दर्शाता है। ये ट्रॉफी जो देख रहे हैं कि ये ट्रॉफी जो है इनको मिला है ईस्टर्न इंडिया पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में जो वीमेन के कैटेगरी में हुआ था। दूसरा सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग वीमेन ऑफ झारखंड 2020 में इन्होंने हासिल किया है। साथ ही साथ पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके साथ साथ झारखंड में कई ऐसे प्रतियोगिताएं हुई हैं जहां पे इन्होंने झारखंड का ही नाम नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है और एक बार फिर जो है हेमा जो है विदेश में खेलने के लिए इनकी तैयारी की जा रही है। विदेशों से भी इनको आमंत्रण मिला है, लेकिन घर की माली हालत अच्छी नहीं है जिसके कारण अब इनको संशय बरकरार है इनके मन में कि ये विदेश में खेलने जा पाएंगी नहीं। और इसी बात को जानने के लिए फिर एक बार हेमा से पूछते हैं। हेमा, सबसे बड़ी बात है कि आपने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, झारखंड के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, एक बार आपको विदेश में खेलने का मौका मिलने वाला है, मिल चुका है, लेकिन आप लोगों की उसमें क्या परेशानियां आ रही है? परेशानियां यही है कि बाहर जाने का खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको पूरा कर पाना घर से मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से खेल पाना वो होता है ना कि टैलेंट होते हुए भी आप अपने आप को नहीं दिखा सकते, नहीं दर्शा सकते, बिल्कुल वही मुसीबत हो जाती है मेरे और मेरे परिवार के साथ, क्योंकि पापा भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जो कि एयरपोर्ट में पार्किंग में, और मम्मी हाउसवाइफ है साथ ही स्टिचिंग्स कर रही है, और दीदी बेंगलोर में जॉब कर रही हैं जिनके हेल्प से भी घर चलता है। तो उस वजह से सब मेंटेन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो बस यही है कि कैसे भी एक जॉब मेरा हो
और फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। पहले भी मैंने देश के लिए एक गोल्ड मेडल फुल पावर लिफ्टिंग में जीता है, डेडलिफ्ट में भी गोल्ड मेडल जीता है, साथ ही बेंच में भी गोल्ड मेडल जीता है। मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि मैं उसको जीतूँ और अपने भारत का और अपने झारखंड का नाम रोशन करूँ। ठीक है, हेमा स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि इन्होंने वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में कई प्रतिस्पर्धा में शामिल तो हुई हैं और उनमें जीत भी हासिल की है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है इनकी घर की माली हालत जो है अच्छी नहीं है और इनके खेल को लेकर जो है परिवार हमेशा चिंतित रहता है। एक और बात की जाए तो इनकी मम्मी जो है हाउस वाइफ रहते हुए घर में स्टिचिंग कपड़े की सिलाई करती है, तो इनके पापा जो है दूसरे जगह पर जाके कार पार्किंग के लिए काम करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने जो है इनकी आर्थिक स्थिति। सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिल पाया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्या उम्मीद लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते, मेरा नाम हेमा कुमारी है, मैं धुरवा रांची से रांची झारखंड की पावर लिफ्टर हूँ। अच्छा हेमा जी, ये बताएं कि किस खेल को आप खेलती हैं? मैं पावर लिफ्टिंग को खेलती हूँ। कब से खेल रही हैं पूरा बताएं? 2019 से खेल रही हूँ और अभी तक खेल ही रही हूँ। कहाँ कहाँ पर आपको मेडल मिला है, किस किस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया? सबसे पहले मैंने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था जो कि दिल्ली में हुआ था, सितंबर 27 से 29 सितंबर 2019 में, जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था। उसके बाद मैंने स्टेट पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया जिसमें मुझे 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का टाइटल मिला था। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल खेला जिसका नाम था वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जिसमें मुझे फुल पावर लिफ्टिंग में भी गोल्ड मेडल मिला था, डेडलिफ्ट में भी गोल्ड मेडल और बेंच प्रेस में भी गोल्ड मेडल। उसके बाद मैंने फिर से स्टेट चैम्पियनशिप खेला जिसमें मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का टाइटल और बेस्ट प्लेयर इन डेडलिफ्ट का भी टाइटल मिला, साथ ही दो तीनों में ही गोल्ड मेडल मुझे मिला था, बेंच, डेडलिफ्ट और फुल पावर लिफ्टिंग। उसके बाद मैं दुर्ग में नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुआ, उसमें मैंने डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस दोनों में ही गोल्ड मेडल जीता था, साथ ही मुझे बेंच प्रेस के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द इंडिया का टाइटल मिला था। उसके बाद रिसेंटली अभी नवंबर में जो 19 से 21 में ऑर्गेनाइज कोलकाता में हुआ ईस्टर्न चैम्पियनशिप, उसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल जीता जिसमें फुल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल और बेंच में गोल्ड मेडल, साथ ही स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ ईस्टर्न जोन और बेस्ट लिफ्टर इन ईस्टर्न जोन का टाइटल मुझे मिला। कितने भाई बहन हैं? हम मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम जूही कुमारी है, एक मेरा छोटा भाई है अमन कुमार और बीच में मैं हूँ। फादर क्या करते हैं? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।